नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा एवं सांसद सुनील सिंह का जोरदार स्वागत। खरवार भोगता समाज विकास संघ ने किया जोरदार स्वागत। रांची पहुंचने पर एयरपोर्ट पर सांस्कृतिक गाजे बाजे के साथ हुआ स्वागत। खरवार भोगता समाज विकास संघ के द्वारा केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा तथा सांसद सुनील सिंह का रांची लौटने पर एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। भोगता समाज के लोग सांस्कृतिक टीम के साथ नाच गान करते हुए जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा एवं सुनील सिंह का स्वागत किया। साथ ही दिल्ली से रांची लौटने पर केंद्रीय अध्यक्ष दर्शन गंजू, पूर्व विधायक जयप्रकाश सिंह भोक्ता तथा जगन्नाथ सिंह भोक्ता एवं उमेश सिंह भोक्ता जी का भी स्वागत किया। केंद्रीय समिति के सदस्यों का भी स्वागत किया गया। वहीं केंद्रीय संरक्षक योधेश्वर सिंह भोक्ता एवं केंद्रीय कोषाध्यक्ष कोलेश्वर गंजू की नेतृत्व में जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा तथा सांसद सुनील सिंह का माला पहना कर तथा बूके देकर स्वागत किया गया। जिसने लगातार 74 वर्षों तक अपने समाज के लिए संघर्ष किया, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी तो इस समाज ने खरवार भोक्ता समाज का जो मांग था, जो इनके साथ अन्याय हुआ था, इनको 1950 में ही ये हक मिलना चाहिए था और वो हक नहीं मिला, क्योंकि ये एक लड़ाकू कौम थी और वीर नीलांबर पीताम्बर ने देश के लिए बलिदान दिया था, तो ये अंग्रेजों की नीतियाँ इनके अनुकूल नहीं थी, वो विरुद्ध थे, इसलिए इनके साथ सच पूछिए तो अन्याय हुआ। क्योंकि अगर शहीद नीलांबर पीताम्बर भोक्ता जब ट्राइबल हैं और भोक्ता ट्राइबल नहीं हो, ये समझ के परे की बात थी, तो सच यही कहा जाए कि ये अन्याय किया गया और इस अन्याय को समाप्त करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब बनी और हमारे अर्जुन मुंडा जी उस जनजातीय विभाग के मंत्री मिले बने, तो हम लोगों ने खरवार भोक्ता समाज विकास संघ के प्रयास से आज इस मुकाम को हासिल किया है। और सबसे ज़्यादा मेहनत इसमें समाज के संघ ने किया, जो 74 वर्षों तक लगातार अपनी लड़ाई लड़ते रहा, तो मैं आज पूरे समाज को इसकी बधाई दूंगा। और ख़ास करके हमारे साथ दर्शन गंजू जी हैं, जगन्नाथ जी हैं, कलेश्वर जी हैं, बाकी लोग हैं, तो इनके मेहनत ने रंग लाया है। जयप्रकाश भोक्ता जी हैं, क्योंकि मुझे भी पता है कि चुनौतियां बहुत थीं, कुछ लोग हम लोगों का विरोध कर रहे थे, हालांकि मुझे आज तक पता नहीं चला कि आप क्यों विरोध कर रहे हो, जब एक समाज को कुछ मिल रहा है, एक समाज जिसका वास्तविक हकदार है, जिसके सैकड़ों सैकड़ों लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध कुर्बानी दी हो, और उस समाज को आप 74 साल वंचित रखे। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पहचान दिया है, हक दिया है, और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में ये समाज और तरक्की करेगा, सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से, दोनों रूपों से करेगा। जो कुछ लोग संदेह प्रकट कर रहे हैं, खास करके राजनीतिक रूप से नुकसान होगा, उनका भी ये भ्रम दूर हो जाएगा जब पंचायती राज व्यवस्था में भोक्ता समाज को उसका पूरा अधिकार मिलेगा, तो उस शंका का भी निर्मूल हो जाएगा। और बिल को लाते समय आदरणीय मुंडा जी ने भी उसका संकेत, हम लोग खरवार के 8 उपजातियाँ भोक्ता, देशवारी, गंजू, राउत, मंझिया, दौलतबंदी, पटबंदी, खैरी, ये जो 8 उपजातियाँ थी उनकी मूल पहचान को लेकर हम लोग लगातार 21-22 वर्षों तक संघर्ष करता रहा। और ख़ास ये है कि देश आज़ादी के बाद जो 72-73 वर्षों तक मुझे जिस जनजाति में रहने का अधिकार था उसको छीन लिया गया था 1950 में, और हम लोग अपमान की जिल्लत जी रहे थे। हमें, चूँकि हमारे समाज के महापुरुधा वीर नीलांबर पीताम्बर साई भोक्ता जी के शहादत के बल पर देश आज़ादी हुई थी, और उस समय हमको जो मान सम्मान मिलना चाहिए था, बल्कि मान सम्मान देश आज़ादी के बाद नहीं मिला, बल्कि अपमान का जिंदगी मिला।
और उसी का लड़ाई लगातार हम लोगों ने खरवार भोक्ता समाज विकास संघ बने कर हम लोग लड़ाई लड़ा और पिछले 7 फरवरी 2022 को लोकसभा में बिल पेश हुआ और फिर पुनः 29-30 मार्च को 2022 को राज्यसभा में हमारा बिल को पारित किया गया और फिर पुनः 5 अप्रैल 2022 को है लोकसभा में हमारा आदिवासियत का बिल पारित हुआ। इससे हमारा समाज में काफ़ी खुशी का लहर है। हम अपनी मूल पहचान की लड़ाई जो लड़ रहे थे वह पूरा हुआ है। हम लोग आगे संदेश देना चाहते हैं समाज को कि अब राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से जो हमारा समाज पिछड़ा था, पिछड़ापन में गुजर रहा था, अब हम लोग उसको आगे चहुमुखी विकास की ओर ले जाने के लिए समाज संकल्पित है और आगे हम तमाम समाज के लोग आज सामाजिक एकता का आज यह उदाहरण है कि कुछ लोग हमारे ही समाज के लोग, कुछ लोग जो विरोध कर रहे थे वह अच्छा पावर और पोस्ट में था लेकिन उनका मतलब है कि वो हार गए, मंत्री हार गया और समाज जीत गया। ये पूरे राज्य में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसके लिए खरवार भोक्ता समाज के तमाम सदस्यों को, तमाम नेताओं को, तमाम हमारा जो टीम है, माता बहने, तमाम लोगों को हम बालूमा से प्रफुल्ल पांडे की खास रिपोर्ट ऑनलाइन भारत के लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप ऑनलाइन भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।